वेलकम बैक गाइज ऑन अनदर वीडियो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। और गाइज इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है, एक बहुत ही बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया से रिलेटेड, और गाइज जिसके कारण जो हमारा गेम है वो बैन भी हो सकता है। भाई गाइज न्यूज़ सुनकर मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, और तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको सीधा मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें बातें निकल कर आई हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस इसकी जो शुरुआत जो है वो निकल कर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश के एक MLA ने ट्वीट किया है, अपील की है प्राइम मिनिस्टर को कि जो हमारा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो तोड़ी हैं जो जिसके कारण उसे बैन करना है। और उन्होंने फिर अगले ट्वीट में यह भी कहा है कि जो है अपना क्राफ्टन है उसमें 15% जो डेटा है वो टेंशन वालों का इन्वॉल्व है। और उन्होंने एक और बात कही है जो कि मेरे को बिल्कुल भी बेकार लगी, उन्होंने ये कहा है कि जो है हमारा गेम है वो बिना परमिशन के लॉन्च हो रहा है, अभी तक परमिशन नहीं ली है क्राफ्टन ने। तो ये बिल्कुल ही बात गलत है, उन्हें ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी है गाइस, आपको भी पता है हमारा प्री रजिस्ट्रेशन भी आ चुका है और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है इतनी दिनों में, इतने दिनों बाद वो कह रहे हैं कि अभी तक परमिशन नहीं ली, तो ये तो बात गलत है। फिर जो है इसके अपने मतलब कि इसके अपोजिट जो घातक ऑफिशियल इंस्टाग्राम ने एक स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने बताया कि जो आपको जो ये ट्वीट जो है इग्नोर करना है, मतलब कि ऐसे ट्वीट आप आते रहेंगे। और उन्होंने एक और भी बात कही है कि जो हमारा ई स्पोर्ट है उसे हम आगे लेकर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो सही कह रहे हैं, हमें इग्नोर कर देना चाहिए और आप टेंशन मत लीजिए, हमारा जो गेम है वो ज़रूर आएगा ही आएगा क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो जो गेम है वो लॉन्च होकर रहेगा और ऐसी जो है ट्वीट्स वो आते रहेंगे। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और फुल आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को हम एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।